شهر كريم قد أطل شهر الصيام والعمل. अरे सिद्दीकी, क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो? वुज़ू इस तरह किया जाता है? अरे कल इतने अहतमाम से प्रिंसिपल के पास गए थे, अदब से खड़े थे, आज अल्लाह के दरबार में जाना है और इस तरह वुज़ू करेंगे? ना सुन्नत की रियायत है, ना अदब की रियायत है। वुज़ू में इस चीज़ का एहसास ज़रूरी है कि आप अल्लाह के दरबार में हाजिर होने जा रहे हो, उस एतबार से वुज़ू करो। मैं आपको सिखाता हूँ कि वुज़ू किस तरह किया जाता है, सीखेंगे ना? देखिए मैं किस तरह वुज़ू करता हूँ। सबसे पहले आपको नियत करना है कि मैं वुज़ू कर रहा हूँ अल्लाह के दरबार में हाजिर होने के लिए। दिल से नियत करना काफ़ी है। उसके बाद बिस्मिल्लाह बोलते हुए सबसे पहले 3 मरतबा ये हाथ धोने हैं। हाथ धोने के बाद कुल्ली करना है, और कुल्ली में मकसद कुल्ली का है कि मुंह साफ़ हो जाए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए हमेशा मिसवाक का अहतमाम किया है, और फजीलत में ये भी बतलाया है कि उसकी वजह से आपकी नमाज़ 70 गुना उसका सवाब बढ़ जाता है, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा उसका इस्तेमाल किया ताकि मुँह अच्छी तरह साफ़ हो। मिसवाक को पकड़ने का तरीका यह है कि आप उसको इस तरह पकड़ें और उसको घसने के टाइम पे इस तरह मलें, ऊपर नीचे ना मलें ताकि आपके मसूड़े में तकलीफ़ ना हो जाए, और हर मर्तबा उसको धोएं। ठीक है, मिसवाक करने के लिए हर मर्तबा उसको धो के रखना ज़रूरी है, बगैर धोए उसको नहीं रखना चाहिए। और अगर आप मिसवाक ना हो तो आप उंगलियों के ज़रिए दांतों की सफाई कर दें। कुल्ली करने में एहतमाम करें ताकि मुंह के अंदर पानी अच्छी तरह घूमे और अच्छी तरह सफाई हो, और ये 3 बार करना है। अगर रोज़ा ना हो तो गरारा भी करें ताकि अच्छी तरह सफाई हो सके। उसके बाद नाक के साफ़ करने का मसला है। नाक के लिए इस्तिंशाक का लफ्ज़ आया है, आपको उसके लिए तरीका यह है कि आप उसको दाएं हाथ से इस तरह पानी नाक में चढ़ाएंगे और उल्टे हाथ से नाक को साफ़ करेंगे, ऐसे 3 बार करेंगे, और फिर छोटी उंगली से नाक की सफाई करेंगे। ठीक है, आप देखिए, उसके बाद आपको चेहरा धोना है। चेहरा 3 मरतबा धोना है। ये बालों जहाँ आदतन यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, और ये कान के लौ से ये कान के लौ तक, पूरा चेहरा आपको 3 बार धोना है। ठीक है, दाढ़ी आपकी हल्की है तो जहाँ खाल नज़र आ रही है वहाँ तक पानी पहुँचाना ज़रूरी है। घनी दाढ़ी है तो ऊपर के बालों तक ही बाल पानी पहुँचा देना उतना काफ़ी है, लेकिन उसमें भी खिलाल करना ज़रूर सुन्नत है। देखिए मैं किस तरह करता हूँ। ये आपका 1 मर्तबा हुआ। इस जगह पे जहाँ पानी कम पहुँचता है वहाँ पे पहुँचाएँ, और ये कानों के पास ये जो हिस्सा है यहाँ पर पानी पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, जो आमतौर पर रह जाता है, और खिलाल उसमें आखिर में ज़रूरी है, सुन्नत है। इसको इस तरह खिलाल करेंगे और अंदर से इस तरह इसको ही निकालेंगे, ये खिलाल का तरीका है। इसके बाद आपको 3 मरतबा हाथ धोना है। हाथ धोने में दाएँ हाथ से शुरू करें और दूसरे बार बाएँ धोएँ, और हाथ धोने में उंगलियों से शुरू करें, उंगलियों से कोहनी की तरफ आएँ, उल्टा ना जाएँ। जिस तरह देखिए कोहनियों तक ये पूरे हाथ धुल जाना चाहिए अच्छी तरह, और उसके बाद उल्टा हाथ, उसके बाद उंगलियों में हाथों का खिलाल हाथ में लें, और इस तरह करके आप यहाँ तक ले लें। ये एक ऐसी सुन्नत है जो आमतौर पर लोग करते नहीं हैं, ये सुन्नत है खिलाल करना। उसके बाद आपको सर का मसा करना है। सर का मसे का तरीका ये है कि आप हाथ में पानी लें और उसको ये जो 3 उंगलियाँ हैं इसको सर के शुरू हिस्से पर रखें और उसको पीछे तक ले जाएं, फिर इस हिस्से से आपको वापस आना है, और उसके बाद ये जो उंगली है आपकी उससे कान साफ करने हैं, और इस वाले हिस्से से आपको कान के पिछले हिस्से पे करना है, और ये जो वाला हिस्सा है इससे आपको गर्दन का मसा, गला का मसा करना मकरूह है लेकिन गर्दन का मसा करना सुन्नत है। आप देखिए मैं कैसे करता हूँ। इसको इस तरह कीजिए, यहाँ रखिए, और यहाँ से ऐसे यहाँ तक ले गए, फिर उसके बाद ये आए
अब ये उंगली आपकी है, इससे कान का पूरा इस तरह लीजिए, इस हिस्से से ये पीछे का लीजिए, और ये जो अब हिस्सा बचा है उससे आप ये पीछे की गर्दन इस तरह, ये आपका मसा हो गया। पैर धोने में भी दाएं पैर को पहले धोएंगे फिर बाएं पैर को, और उसमें भी उल्टे दाएं हाथ से पानी डालेंगे और उल्टे हाथ से मलेंगे, ठीक है। और इसके अंदर एक गड्ढा होता है पैरों में, तो उसमें ख़ास तौर पर वहाँ पर पानी पहुँचाना ज़रूरी। देखिए पैर धोने के बाद यहाँ पर भी खिलाल की सुन्नत है, तो खिलाल का तरीका यह है कि आप पानी लें और इस तरह पानी डालते जाएं और खिलाल करते जाएं, हालांकि पानी पहुँच जाता है लेकिन ये एक सुन्नत है। ये आपका अल्हम्दुलिल्लाह वुज़ू सुन्नत के मुताबिक पूरा हो गया। अगर इस एतबार से आप वुज़ू करेंगे तो सुन्नत ये वुज़ू का सवाब भी मिलेगा और इसकी बरकतों से नमाज में खुशू भी पैदा होगा। अरे रुको, ये तो वुज़ू किया लेकिन कुछ चीज़ें पढ़ना भी ज़रूरी है। जैसे वुज़ू शुरू किए थे हमने बिस्मिल्लाह पढ़े थे, उसी तरह वुज़ू के दरमियान एक दुआ है मसनून है, वो पढ़ते रहना है। जैसे अल्लाहुम्मा इग़फिर ली ज़म्बी, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर, वसी अली फ़ी दारी और मेरे घर में कुशादगी पैदा फरमा, व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी और मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा। ये वुज़ू के दरमियान पढ़ना है, बड़ा मुजर्रब अमल है, इससे सब चीज़ों में बरकत होती है। और जब वुज़ू ख़त्म हो जाए, हम वुज़ू करके फ़ारिग हुए, तो फिर हमें पढ़ना है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। और जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहें तो उंगली से ऊपर की तरफ इशारा करें, और फिर एक दुआ है अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन व इजअलनी मिनल मुततहिरीन, ये दुआ पढ़ लें कि अल्लाह मुझे तौबा करने वालों में से बना और मुझे खूब पाकी हासिल करने वालों में से बना, ठीक है, करेंगे। और उसके बाद एक हदीस और सुन लीजिए, वुज़ू करने के बाद हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि वुज़ू करने के बाद अगर कोई आदमी बात ना करे और जाके बग़ैर मकरूह वक्त में दो रकात नमाज़ पढ़ ले तो ये उसके तमाम गुनाहों को माफ़ करा देती है, ठीक है, समझ में है आपको, करेंगे ऐसा इंशाल्लाह, ठीक है, अल्लाह ठीक, जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।